दोस्तों गणेश दृष्टि के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको घर पे चारपाई बनाना सिखाऊंगा कि घर पे चारपाई कैसे बनता है। तो वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों ये फिटिंग कर चुका हूँ मैं और अब फेविकोल और बुरादा दोनों को गैप गैप में भर रहा हूँ। तो ये गैप गैप में फेविकोल और साथ में बुरादा चिपका रहा हूँ ताकि मजबूत चारपाई बने, इसलिए मैं फेविकोल के साथ बुरादा मिला रहा हूँ। इससे काफ़ी मजबूत होगा। तो उसके बाद फेविकोल लगाने के बाद एक दिन बाद जब सूख गया वो, तो उसकी बुनाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब तो वो मैंने रख दिया, दो मैंने वो काट दिए चोर, इसे हम चोर कहते हैं। ताकि इससे ये होता है कि इसका जो जॉइंट होता है वो खुलता नहीं है जल्दी से, तो हम गांठ मार देते हैं चारपाई पे। सबसे पहले हाथों से नाप ले लेते हैं। क्योंकि इसमें इंच टेप की ज़रूरत नहीं पड़ता, हाथों से ही काम बन जाता है। उसके बाद बराबर लेयर पे मैं घुमाना स्टार्ट कर दिया। ये लकड़ी है, काफ़ी मजबूत लकड़ी है जिससे चारपाई बन रहा है। उसके बाद गुनिया में इसको बुनना स्टार्ट कर चुका हूँ। वो मैंने चोर में फंसा दिया जिससे खुलता नहीं है, बिल्कुल टाइट रहता है गुनिया में, और एक के बाद चोर आगे की ओर बढ़ता जाता है। धीरे धीरे हमने इससे पहले ऐसे में कस दिया ताकि ये मजबूती से बिल्कुल इसी प्रकार से अब घूमते घूमते आएगा चारपाई में। वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसमें चार चार का लेयर बन रहा है, चार के बाद दूसरी लेयर बन रही है। Dripping.
ये डंडा लग गया ताकि ये टाइट रहे आगे की ओर ना खिसके, इसलिए वहाँ पे डंडा लगा दिया गया। हमारे यहाँ लकड़ी कहते हैं, लकड़ी ज़्यादातर काम आता है जब कसना का काम हो तो लकड़ी ज़्यादातर काम आता है चारपाई में। और ये चारपाई लकड़ी से बनता है, तो वीडियो को पूरी देखना। इसमें एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे ऐसे चलता है। चारपाई में एक काम और होता है, सिर्फ एक ही साइड से बुनाई स्टार्ट होता है, दूसरे साइड से ऑटोमेटिक बुनाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और चारपाई बुनना बहुत ही आसान है। धीरे धीरे मैं एक के ऊपर एक को एक लेयर लगाते गया, चार लेयर का एक धागा बन रहा। और ये टोटल 19 बनेंगे। और जो सेंटर है, इसका लास्ट सेंटर है जहाँ पे लकड़ी लगा रखा, उसको लगा के ये 20 हो जाएगा, जो कि चारपाई बनता है। चारपाई या तो 19 लेयर का बनता है या 21 लेयर का बनता है। धीरे धीरे हमारी चारपाई बुनती जा रही है। और धीरे धीरे हमने चारपाई बुन रहे हैं। काफी गर्मी भी हो रहा था। फिर मैंने लगातार बुनता स्टार्ट कर दिया। और कहते नहीं, अगर मेहनत करते जाओ तो सफलता हाथ जरूर लग जाता है। तो धीरे धीरे जब मैं मेहनत करते गया तो मैंने अपना तो चारपाई है बिल्कुल बुनना तैयार कर दिया। धीरे धीरे रस्सी कम होते जा रहा है।
saturated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the back. धीरे धीरे हम स्टेप स्टेप भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं. ये देखिए आधा चारपाई हमारा बुन चुका है, दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है. अभी एक साइड से ज़्यादा दिख रहा, एक साइड से कम दिख रहा, तो इसका भी हम जुगाड़ करेंगे. अभी वीडियो को पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. तो ये देखिए हमने कुदाल से बिल्कुल उसे सही से कर दिया, ताकि जो रस्सी है वो बिल्कुल सीधे आ जाए और जो गैप बचा है उस गैप में हम रस्सी को लेयर बना सकें. अभी टोटल 19 लेयर पूरे नहीं हुए, हम ये 19 लेयर बनाएंगे. गर्मी भी लग रही थी जिसके कारण से हम थोड़ा सा लेट लगा रहे थे, तो अब नज़दीक था जो कि चारपाई बुनने का, तो रस्सी बिल्कुल टाइट हो गए थे, तो जिसके कारण से थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे काम चल रहा था. यहाँ पर रस्सी एक दूसरे के ऊपर लड़ गई, जिसके कारण से यहाँ पे दिक्कत आ रही थी थोड़ा सा, लेकिन उसे भी ठीक कर लिया हमने.
फिर कुदाल का इस्तेमाल दोबारा से किया गया और थोड़ी सी जगह बनाया गया। चारपाई लगभग तैयारी होने वाली है। तो पूरा घाट बनने वाला है, बन भी गया है देखिए। और जो रस्सी बनी थी बची है वो मैंने आपको बता दिया हूँ। ये देखिए, जो कि बिल्कुल गढ़वाली भाषा में इसे खाट कहते हैं, वैसे इसे चारपाई कहते हैं। कि चारपाई कैसे बनाए तो ये देखिए, अब मैं इनको गिन लेता हूँ ये कितने हैं। टोटल 19 लेयर हैं ये, और 19 को 4 से गुना कर लिया तो 76 लेयर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक लेयर 4 के हैं। उसके बाद हमने बिल्कुल इसे सिलाई स्टार्ट कर दिया, टाइट कर दिया, ताकि ये बिल्कुल झुके नहीं, इसलिए हमने वहाँ से भी रस्सी बांधना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद इसे कस दिया बिल्कुल, तो ये बिल्कुल नया नया चारपाई बन गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो एक लाइक इस चारपाई के लिए ज़रूर करना। और चैनल पर नए यूजर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।